करती हूँ। कैसे आप सब, मैं कहती हूँ कि आप सब ठहर चलेंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और मटन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आलू और मटन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, साबुत जीरा, मिक्स मसाला, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, दो आलू और मटन। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, बाकी हम बाद में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इनका बहुत ज्यादा शौक है रोज खाने को पकाऊं। तो ठीक है फिर रोज आप बना करना। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्राई करेंगे। यस, अब हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम डाल देंगे अपने मसाले, और डाल देंगे सब्ज़ में रेड चिली पाउडर और डालेंगे हल्दी, अब डालेंगे नमक और मिक्स मसाला नहीं डालेंगे अभी, बाद में डाल देंगे। अभी हम बाद में डाल देंगे। अब हम डालेंगे एक गिलास पानी का और इसको स्टीम पर रख देंगे। हम इसको 10 मिनट स्टीम देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको 10 मिनट स्टीम देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको देखते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है कि नहीं। देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छे से गल गया है। आलू डाल के इसको और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के टाइम हम इसमें मिक्स मसाला डाल देंगे। हम आलू और गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
हमारा फ्राई हो रहा है, जब तक ये ऑयल ना छोड़े हम इसको फ्राई करेंगे। आलू और मटन ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना आप अपने शोरबा रखना चाहते हैं आप उतना ही पानी डालें। मिनट तक हल्की आंच पे पका लेंगे। हमारा मज़ेदार गोश्त और आलू तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। गोश्त और आलू बहुत अच्छे से गले हैं, अब हम इसके ऊपर सबज धनिया डालेंगे, थोड़ा सा अदरक, हमारा मज़ेदार गोश्त और आलू तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बने। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।